बुद्ध कोरोना वायरस का भय और उसका जेनेसिस, यानी कि उसकी उत्पत्ति, जो उसका जेनेसिस है वो किस तरह से काम करता है और बुद्ध ने कैसे बताया कि भय कैसे उत्पन्न होता है। अगर आपने बचपन में मदारी देखा हो, जो गांव-गांव में और शहर-शहर में छोटे-छोटे कस्बों में आता था, दिन के समय एक खेल दिखाता था, क्योंकि मैंने मदारी को बहुत अच्छी तरह से देखा है और बड़ा पास से उसका बचपन में अध्ययन भी किया है। मदारी एक झोला लेके आता है, एक लड़का उसके साथ होता है, एक डंडा होता है और एक थैला होता है। वो सबसे पहले आके डमरू बजाता है, डमरू बजा के, क्योंकि उसकी आवाज दूर तक जाती है, कई बार वो बांसुरी भी बजाता है और फिर वहां सारे बच्चे और जो बड़े बूढ़े या जो लोग काम पे नहीं जाते वो सब घेरा बना के उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो मदारी है पहले छोटी मोटी बड़ी हरकतें करता है, ऐसी हरकतें जिससे बच्चों को बड़ी हंसी आती है और लोगों को बड़ी हंसी आती है, खेल तमाशा। उसके बात करने का जो तरीका होता है वो इतना प्योरिफाइड होता है, इतना बेहतरीन होता है, इतना मैनेज किया, इतना एक्सपर्ट होता है, जो अच्छे अच्छे एंकर को मात दे दे, वो कमाल की प्रतिभा उसके अंदर होती है। बोलता भी बहुत अच्छा है और शब्दों का जो हेर फेर जो उसके रटे हुए हैं वो कमाल के होते हैं। अपनी मीठी मीठी बातों से, हंसी मजाक की बातों से वो सबका दिल बहलाता है और सबको हंसी के माहौल में लेके आ जाता है। उसके बाद वो दिखाता है काला जादू। काला जादू में वो उस बच्चे को जमीन पर लिटाता है और उसके ऊपर एक काला कपड़ा डालता है। फिर होता है असली खेल। अब वो भय पैदा करता है अपनी बातों में और बातों में भय को आता है और लोगों से पूछता है, क्या इस बच्चे को जान से मार दूं, इसको खत्म कर दूं? लोग डरे हुए होते हैं, मना करते हैं। फिर वो कुछ तेजी से कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो भय पैदा करने वाले होते हैं और जब वो भय का पूरा माहौल पैदा कर देता है तो कहता है कि मैं इस बच्चे को अब पूरी तरह से अपने वश में कर चुका हूं और मारूंगा। और वो उस बच्चे की, कपड़े में लेटे हुए बच्चे की तलवार से ऊपर से गर्दन काटने का एक नाटक करता है। बच्चे सारे भयभीत हो जाते हैं, उनको लगता है कि इसने वास्तव में गर्दन काट दी है। वो गर्दन को हिला डुला कर भी दिखाता है तो गर्दन ऐसे लगती है जैसे निर्जीव पड़ी हुई है। सारे बच्चे, सारे लोग उसके बिल्कुल पास में आ जाते हैं, जो उसने जाल फेंका है उसमें फंस जाते हैं और सारे भय से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर वो चेक करता है कि सारे लोग भय से ग्रस्त हुए नहीं हुए। वो कहता है कि बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा, सब अपने अपने हाथों को खोल दो। तो वो सबसे अपने अपने हाथ खुलवाता है। फिर वो ताली बजवा के देखता है कि कितना दम अभी आया है, कितने डरे हुए हैं, भय के कारण और खुशी के कारण लोग ज्यादा ताली बजाते हैं, तो वो ताली की इंटेंसिटी और ताली की आवाज को मापता है। जब वो देखता है कि पूरा मजमा, पूरा माहौल, पूरी भीड़ उसके वश में आ गई, उसके काबू में आ गई, तब वो अपना कटोरा और झोला निकालता है और लोगों से कहता है कि इस बच्चे के लिए मैं वापस लेके आऊंगा, जो तुम्हें देना है इसको दो। तो जिसके पास 5 का सिक्का, 10 का सिक्का या 20 का सिक्का, जो भी सिक्का उस समय चलता था, वो जो होता है वो देता है। और सारा पैसा लेने के बाद में अभी उसकी जो मांग है पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा कमाना है, वो रोजी रोटी का काम करता है। तो वो कहता है कि जाओ बच्चों, अपने अपने घरों से आटा लेके आओ। और फिर बच्चे भागे भागे जाते हैं, आटा लेके आते हैं, खेल तमाशा वो पूरा करता है और उसको बच्चे को वो जोड़ के दिखा के और वहां से चला जाता है। मदारी को एक एक बात का पता होता है कि कब लोगों में भय व्याप्त हुआ है, कब भय का माहौल आया है, कब वो डर रहे हैं, कब फियर चारों तरफ फैल गया है, कितनी ताली बजाई, कब हाथ खोले, कब नहीं खोले। मैं बचपन में इसको देखता था तो मैं मदारी को बहुत ध्यान से देखता था, बच्चे को ध्यान से देखता था, और जब वो हाथ खोलने को कहता था तो मैं हाथ नहीं खोलता था, क्योंकि किसी को दिखाई न दे इसलिए मैं पीछे हाथ बांध लेता था और हाथ बांध के मैं देखता रहता था कि क्या मेरे हाथ बांधने से ये बच्चा जीवित होगा या नहीं होगा। मेरे हाथ बांधने से या हाथ खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खेल उसका मनोवैज्ञानिक है। इस मनोवैज्ञानिक खेल के, इस मनोचिकित्सक खेल के, इस माइंड के खेम के या मन के विज्ञान के या मन के व्याणा के, क्योंकि पारी पुरानी भाषा में इसको व्याणा बोलते हैं, मन का विज्ञान, मन का व्याणा, यानी कि चैतसिक व्याणा। भगवान बुद्ध ने पूरी की पूरी जो खोज, पूरी की पूरी जो साइंस है, वो सारी मनोविज्ञान के ऊपर की है। उन्होंने मन का अध्ययन किया है कि मन शरीर को कैसे चलाता है,
मन शरीर को कैसे कंट्रोल करता है, मन शरीर को कैसे जकड़ता है और मन शरीर को कैसे खोलता है। क्योंकि भय जो आता है वो मन में आता है और फिर मन में आने के बाद में बच्चा ताली बजाए या ना बजाए, या उसको पैसे दे दे या उसको आटा दे दे या उसका काम करे या वो जो भी कहे उसके वश में आता है वैसा ही वो कहता है। क्योंकि बीच बीच में मंदारी कईयों को फटका भी लगाता रहता था कि तुम खड़े हो जाओ, तुम उठ जाओ, तुम बैठ जाओ, और लोग उसकी बात को ऐसे मानते हैं जैसे वो उनका बाप, उनका पिता या उनका सब कुछ है। क्योंकि लोग इतने ज़्यादा भय में जड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं। ये भय का विज्ञान या भय का मनोविज्ञान सारा का सारा बुद्ध ने अभिधम्म पीटक या सुत्त पीटक में एक एक स्पष्ट बताया हुआ है, जिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आज की डेट में बहुत तेजी से काम करती है कि कैसे मन काम करता है। मन की साइंस को बताने वाले वो पहले और सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे, उसके बाद लोगों ने मनोचिकित्सक या मनोविज्ञान की डिग्रियां लेनी शुरू की हैं। मेरे पिता धम्म का बड़ा अध्ययन किया करते थे, वो धम्म सिखाते भी थे, हम उनसे धम्म सीखते भी थे। लगभग 19 साल पहले की बात है, 19-20 साल पहले की, जब उनकी मृत्यु होने लगी तो वो मृत्यु चूंकि अस्पताल में हो रही थी, छोटा भाई भी डॉक्टर है, तो मैंने उनकी मृत्यु को अपनी आंखों से बिल्कुल पास देखा, क्योंकि मैं पास था, छोटा भाई था, बड़े भाई नहीं थे, तो उनको बड़े भाई के आने का इंतजार थे। सुबह उन्होंने कह भी दिया था कि बड़े भाई को बुला लो, क्योंकि उनको पता चल गया था कि आभास आज उनका शायद शरीर शांत हो जाएगा। तो उधर उनकी मृत्यु हो रही है और वो सांस लेने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, तभी एक आवाज आती है जो हमारे पिताजी के एक दोस्त रहे हैं, वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि जाओ गंगा जल ले आओ। पत्नी भागी भागी जाती है और हम चूंकि आंसुओं में सराबोर थे इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। वो पत्नी उनकी जो है गंगा जल लेके आती है, पानी लेके आती है, और वो चम्मच से पानी मुंह में डालते हैं। पानी मुंह में डालने के कुछ देर बाद उनकी सांस खत्म हो जाती है, यानी उन्होंने उनके मुंह में गंगा जल कह के वो पानी डाल दिया। उनकी आंखों में लगभग आंसू आए जो मैंने देखे थे, समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरे जीवन भर जो उन्होंने पढ़ाया कि गंगा जल नहीं डालना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं होता है उसका था, या बड़े बेटे को नहीं देख पाए उसका था, या मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे उसका था, ये तो वही जाने। मगर मुझे एक बात समझ में आई कि व्यक्ति जब मरता है तो उस समय उसके आसपास के सारे लोग बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, उस भय में व्याप्त हो जाते हैं, यानी वो जो मृत्यु होती है, मृत्यु के माहौल में वो स्तब्ध हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और वहाँ पर कोई भी आदमी कुछ भी करे वो उसका विरोध नहीं करते हैं। हमें विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये एक विषय हो सकता है, मगर चूंकि मृत्यु का भय और मृत्यु का माहौल इतना कमाल का होता है कि वहाँ आदमी की जो बुद्धि है काम करना बंद कर देती है। चूंकि मेरे परिवार में डॉक्टर हैं तो मैंने उनसे पूछा कि पानी डालने का क्या है, उन्होंने बताया कि पानी टैकिया में डालते हैं ताकि सांस का आना जाना आसानी से हो जाए। और मैंने फिर बाद में अध्ययन भी किया तो ये पाया कि ये हमारी ही परंपरा, यानी बुद्ध की भारत की पुरानी परंपरा है, क्योंकि गंगा सारी रिवर को बोलते हैं, पुरानी भाषा में नदी कोई नाम ही नहीं है, जितना भी बहता पानी है उसको गंगा बोलते हैं, इसलिए जो भी पानी हम पीते हैं वो गंगा वाटर होता है। तो इसलिए ये परंपरा हमारी है, ये परंपरा हमारी है, ये जान के मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फादर को हो सकता है कि हुई हो या नहीं हो, मेरा कहने का मकसद ये था कि मृत्यु के समय वो भी संस्कार कर डालता है आदमी जो पूरे जीवन जिनका विरोध होता है, यानी कि उस समय वो आदमी बिल्कुल वेनरेबल होता है, उसके लिए वो बिल्कुल संभव होता है और वो उसको कर देता है। ऐसा भय का और ऐसा मृत्यु का माहौल चारों तरफ होता है। एक अर्थी में मैं गया जहाँ मेरे एक जो मेरी पत्नी है उनके पक्ष की एक अर्थी थी, वहाँ पर वो लोग आए, वो चूँकि वो राधा स्वामी लोग हैं और नामदेव को मानने वाले लोग हैं, तो वहाँ जो डेड बॉडी थी उस पर जिसने जो कह दिया वहाँ कोई बोलने वाला था नहीं, वो वैसा ही मान लिया। बाद में वो निगम बोध घाट लेके गए तो जहाँ उस क्रिया कराने वाले ने जैसा बोल दिया वैसा सब ने मान लिया, और लगभग 600 रुपये का क्रियाक्रम होता है और 7000 रुपये वो कई सारे दुनिया भर के चार्ज लगा के वो लेते हैं। जब वहाँ हड्डियाँ लेने आते हैं, अस्थियाँ लेने आते हैं बची हुई, उस समय वो 3-3.5 हज़ार रुपये ले लेते हैं, क्योंकि लोग भय के माहौल में, मृत्यु के माहौल में अपनी जेब पैसे दे के ब्लड टालते हैं, उनका मन बड़ा खराब होता है। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बुद्ध ने बताई, जो बुद्ध का मनोविज्ञान है उसमें बताई, कि बहुत ज़्यादा खुशी हो या बहुत ज़्यादा दुख हो, क्योंकि खुशी के समय भी जब शादी होती है या ब्याह होता है या बर्थडे होता है तो लोग घोड़ों पर भी पैसे लगाते हैं, पैसे बिखेर बिखेर के ना नाचते हैं, वार वार के नाचते हैं, और किसी को कुछ भी खुशी में दे देते हैं, गिफ्ट बढ़ते हैं, खूब अराब शराब पैसा खर्च करते हैं, उस समय पैसे की वैल्यू नहीं होती, जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया, जितना है दे दिया।
तो खुशी और माहौल में जो मन होता है वो एक्सट्रीम पे होता है, यानी कि वेदनाएं जो होती हैं, अच्छी वेदनाएं या दुखद वेदनाएं दोनों एक्सट्रीम पे होती हैं, उस समय बुद्धि काम करना बंद कर देती है और जो मदारी है वो उसी समय का इंतजार करता है। अभी जो कोरोना का भय चारों तरफ चल रहा है, इसमें बहुत सारे छोटे बड़े मदारी निकल के आ गए हैं। जो टेस्ट किट है वो महंगी हो गई हैं, जो पीपी किट है वो महंगी हो गई हैं, दवाएं महंगी हो गई हैं, खाने के सामान महंगे हो गए हैं, सब्जी वाले भी थोड़ी बहुत सब्जी बेकार सेकार देकर छुट्टी देके, क्योंकि लोग उनके पास जा नहीं रहे आ नहीं रहे। जो होम डिलीवरी है उसमें भी कुछ महंगा है। इसके अलावा बड़े बड़े भी खेल चल रहे हैं, जहां सप्लाइयां बहुत बड़ी बड़ी हैं वहां भी महंगा हो गया है। पैसे का लेन देन महंगाई खूब चल रही है। देश हित की बात कम है, देश को लूटने की या देश के आपातकाल में पैसा बनाने की बात बहुत ज्यादा है। ये दुनिया में लगभग सभी देशों में चलती है। जब युद्ध की स्थिति होती है या महामारी की स्थिति होती है या कोई आपदा की स्थिति होती है, सबसे पहले मार्केट ब्लैक में चला जाता है। लोग उसको सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, जरूरतमंद आदमी के पास सामान नहीं पहुंचता, लोग जरूरत से ज़्यादा अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं, जो सक्षम है, जो गरीब है बेचारे उनके पास में रोजमर्रा का भी सामान नहीं पहुंच पाता। एक तो उनके काम बंद हो जाते हैं, ऊपर से उनके पास पैसे नहीं और ना ही उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, ना ही उन्हें इतनी समझ होती है कि कोई आपातकाल आने वाला है तो थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया जाए। ये स्थिति बड़ी भयावक और बड़ी खतरनाक होती है किसी ऐसे देश के लिए जो देश भाईचारे पर चलता हो या डेमोक्रेटिक केस हो, क्योंकि कुछ लोग इस मजबूरी का फायदा हमेशा से उठाते रहे। ये बिल्कुल देशद्रोह के बराबर एक काम है और देशद्रोह से भी ज्यादा खतरनाक और घटिया माना जाता है और होता है। इससे उत्पन्न संतान या इससे बड़ी हुई संतान या इससे कमाया हुआ पैसा कभी भी उस व्यक्ति को फल नहीं दे सकता, क्योंकि वो पैसा महामारी में या महामृत्यु में या महापरेशानी के अंदर देश में विरोध के समय कमाया हुआ पैसा होता है। इसलिए वो पैसा उनकी संतानों में हमेशा नुकसान ही देता है, ऐसा बुद्ध ने सिद्ध करके बताया, नियम बताया, साइंस बताई इसके बारे में। जो कोरोना का डर है वो डर सच है। सच इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी है। जो पैंडेमिक है वो बहुत ज़्यादा महामारी का रूप ले चुकी है, इसलिए सावधान रहने की बहुत ज़्यादा। जैसा डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टरों का समूह बताते हैं या जैसा सरकारी आदेश आता है उसको से अक्षर अगर आप पालन करेंगे तो कोरोना के भय से और कोरोना के डर से निकल जाएंगे। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपना सोचेंगे या आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आप जो पुरानी महामारियां हुई हैं उनको पढ़ लीजिए, उनको सुन लीजिए, बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। करोड़ों की तादाद में लोग दुनिया में महामारी में मरते हैं। ये अब तक के इतिहास में ऐसी महामारी है जिसको देश कंट्रोल कर रहे हैं, लोग जानकारी से इसको बच रहे हैं और बचा रहे हैं। ये महामारी पूरी तरह से खत्म हो सकती है अगर आप जानकारी का सही इस्तेमाल करें तो। अगर आप जानकारी का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मगर दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि जो लोग अपने घरों में बंद हैं वो बहुत दिनों बाद बंद हुए हैं। भारत की पुरानी परंपरा रही है कि 3 महीने तक लगभग सब लोग, 3 से 4 महीने तक सब लोग अपने घरों में बंद रहते हैं। जब वर्षा वास होता है, जब वर्षा आती है, वर्षा वास बोलते हैं जिसको बारिश के दिनों में बोला जाता है, जो आषाढ़ी पूर्णिमा से आरंभ होती है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलती है, उस दौरान में 4 महीने के लिए सारा जीवन भारत में ठहर जाता था, क्योंकि कीड़ों का जनन और प्रजनन स्टार्ट होता था। लोग अपने पैरों से कीड़े और मकोड़ों को नहीं मानना चाहते थे, रास्ते कच्चे होते थे, उस समय भिक्कू और भिक्कुनियां निकल जाते थे और वो बिहारों में जाकर रुकते थे। वहां जाके जो गांव आसपास लोग होते थे वो पढ़ने के लिए आते थे, पूरे 3-4 महीने पठन पाठन का कार्यक्रम चलता था। इसलिए भारत के लोगों को वत्सावास को याद करते हुए, क्योंकि ये उनके जीन में है, ऐसा ही जैनियों के अंदर भी होता था। जो जैन समाज है उसके अंदर भी वत्सावास होता है, बल्कि जैन समाज में वत्सावास बुद्ध से पहले होता था। बुद्ध ने जैन समाज से ही इसको अडॉप्ट किया है और लिया हुआ है। इसलिए वत्सावास भारत की पुरानी पद्धति है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अपना काम करने की आवश्यकता है। जैसे आप पहले करते थे उस समय को याद कीजिए, जब प्रकृति अपने आप को रिपेयर करती थी, सारी पृथ्वी अपने आप को ठीक करती थी और लोग अपने घरों में रहकर शांति से अपना काम करते थे, तो मन को शांत नहीं छोड़ते थे। या तो वो विपस्सना करते थे, विपस्सना साधना तपस्या या तप ध्यान या मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने के लिए आपको आना पाना आप सीख सकते हैं। आप विपस्सना.org वेबसाइट पर जाएंगे या ऐप में जाएंगे विपस्सना के, तो
बाई एसएन गोयनका द्वारा बहुत बढ़िया विपसना साधना सिखाई जाती है घर बैठे। आप विपसना साधना करेंगे तो आपकी जो एंजाइटी है, जो आपकी परेशानी है, वो 100% दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप पेंटिंग का काम या लिखाई का काम, राइटिंग का या पढ़ने का काम, या वीडियो बनाने का या स्पीच देने का या पोस्ट बनाने का, या घर में बच्चों को कुछ सिखाने का, या कोई और लैंग्वेज सीखने का, या घर का साफ सफाई का, इतने सारे काम हैं, सिंगिंग का, गायन का, कलाकारी का, नृत्य का, इतने सारे काम हैं, वो सारे काम आप कर सकते हैं, आपका टाइम पास होगा। परिवार में आप एक दूसरे की रुचि जान सकते हैं, क्या रुचि किसकी है, किसका क्या इंटरेस्ट है और वो किस किस में पारंगत है, मेलजोल बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फोन आपके पास है, फोन में आप दुनिया भर से बात कर सकते हैं। जिनके पास फोन नहीं है उनके पास में बात करने के लिए मना ही नहीं है, अपनी बालकनी से खड़े होकर आप बात कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बेहतर काम रहेगा कि इस समय आप दान कीजिए। क्या दान देना है आपने? आपने जो गरीब लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनके लिए पैसा या उनके लिए खाना दान करना है, और जो सक्षम लोग हैं उनके लिए धम्म दान करना है, प्रकृति के बारे में बात करनी है, प्रकृति के बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है और अपने स्वास्थ्य को देखना है। आप घर पर रह के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, घर के काम में हाथ बटा सकते हैं, घर को ठीक भी कर सकते हैं। समय बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि भारत में 3 से 4 महीने तक एक साथ रहने की हर साल वसावास में पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा इसलिए ही बनाई गई थी ताकि वातावरण में जितने भी जो विजिबल और इनविजिबल, यानी कि जो जीव दृश्य हैं और जो अदृश्य जीव हैं, वो अपना प्रजनन कर सकें और वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाएं और हम भी उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए आप ये जो कोरोना का डर है इसको निकाल दीजिए। ये डर हवा से आता है और हवा में ही चला जाता है, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। आप सरकार के सारे नियमों को, डॉक्टर्स के सारे नियमों को पालन करें। धन्यवाद।